अभी हम है लोहा जंग में, चाय भी चाय का लुत्फ उठा रहे थे एक होटल में बैठ के। पांडे एक्चुअली थक गया है, वो काफी थक गया, थके तो हम भी है लेकिन थोड़ा चाय पीने आए थे। लेकिन यहाँ पे जो चाय की दुकान वाले जो अंकल हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक बहुत फेमस टेम्पल है जहाँ आम आदमी का प्रवेश वर्जित है। यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी है, बाढ़ गाँव में स्थित है वो मंदिर। चलो चलते हैं उस मंदिर की ओर, देखते हैं उसकी जो विशेषताएं हैं और जो खूबियां हैं मंदिर की, वहां जाके लोकल लोगों से पता करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ उस मंदिर का व्यू। वैसे तो हम काफी थके हुए थे लेकिन हमको कल को वापस जाना है और अभी मंदिर के बारे में पता चला तो मेरे से रहा नहीं गया और मेरा मन था मंदिर को देखने का। यहाँ से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, मुझे लगता है कि आधा घंटा वहाँ तक जाने में लगेगा और मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है। अभी जब नीचे वापस लौटे थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, अभी देखिए ऊपर पहाड़ों में भी बर्फ़ गिरी रही है और ठंडा भी बहुत है। बूंदाबांदी अभी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस मंदिर के अंदर किसी VIP का भी हुक्म नहीं चलता, मंदिर के अंदर आम आदमी का जाना मना है। और साथ में जो पुजारी मंदिर के अंदर पूजा करता है उसके भी आंखों में पट्टी बांधी जाती है। बताया जाता है कि मंदिर के अंदर नागराज मणि के साथ विराजमान है और आम आदमी उसको देख भी नहीं सकता है। लेकिन रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है और जहां हम जा रहे हैं वह है बाढ़ गाँव, जो है देवाल ब्लॉक में सबसे लास्ट गाँव है, वही इंडिया का लास्ट विलेज है, उसके बाद सीधे हिमालयन रेंज आती है। बाढ़ गाँव अभी 3 किलोमीटर और बचा हुआ है, लाटू देवता का मंदिर बाढ़ गाँव में ही है। बारिश स्टार्ट हो गई है, मेरे को भी अपना कैमरा अंदर रखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हल्की हल्की बर्फ गिर रही है और ठंडा काफ़ी हो चुका है। बारिश में काफ़ी भीगने के बाद अभी बारिश बंद हो गई है, हम लोग बाढ़ गाँव पहुँचने वाले हैं। नीचे हमने पुल क्रॉस कर लिया था, बीच में रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि आपदा के टाइम पर वहाँ पर रोड बह गई थी। नया पुल बना हुआ है और रोड काफ़ी क्षतिग्रस्त है वहाँ पे। जो रूपकुंड की यात्रा होती है वो बाढ़ गाँव होते हुए जाती है। ये देखिए लोग होली खेल रहे हैं आपस में, एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। इतने ठंडे में पानी तो डाल सकते हैं नहीं, हाँ कलर जरूर लगा लेंगे। जो बाढ़ गाँव में लाटू देवता मंदिर है वो नंदा देवी माता के धर्म भाई थे, इसलिए पहले उनकी पूजा होती है उसके बाद नंदा देवी राज यात्रा स्टार्ट होती है। बाढ़ गाँव में नंदा देवी राज यात्रा का 12वां पड़ाव आता है, मतलब 12वें दिन का स्टे उसका वहीं बाढ़ गाँव में रहता है, उसके बाद वो यात्रा हेमकुंड की ओर जाती है। हम लोग पहुंच गए हैं बाढ़ गाँव के, छोटी सी मार्केट है, 3-4 दुकानें हैं। यहाँ से अभी 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा लेकिन पैदल रास्ता यहाँ से जाता है 1 किलोमीटर का, सीधे शॉर्टकट रास्ता दिखाया था उसमें रास्ते में। रोड कंडीशन तो ऐसे काफ़ी ख़राब है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, अभी रोड बनी रही है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत होती है। बारिश और बर्फ में काफ़ी भीगने के बाद हम तीनों पहुँच चुके हैं, हमारी बाइक खड़ी है और कपड़ों की स्थिति देख लो, पूरी पैंट गीली हो गई है। चलो मंदिर आ गया, मंदिर में की ओर चलते हैं अब हम लोग। यह है मंदिर का बोर्ड और वो ऊपर है मंदिर, चलते हैं मंदिर की ओर। आ जाओ जल्दी आओ, हमको वापस भी जाना। ये जय श्री लाटू देवता मार्ग बाढ़ गाँव। और ये सामने देखिए पीक के ऊपर अभी बर्फबारी यहीं भी यहाँ पर भी हुई है ऊपर। ठंडा बहुत है यहाँ, अभी बर्फ भी गिर रही है और हमारे कपड़े भी गीले हो गए। कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद रहा। फिर वापस हमको लोहा जंग वापस जाना है क्योंकि होटल तो हमने वहीं लिया था, बस ये मंदिर देखने आए थे। इस मंदिर की खासियत यह है, अभी मैंने किसी से पूछा था रास्ते में, कोई मिला था तो उनसे मैंने पूछा था, उनका वीडियो तो नहीं बना पाया मैं, उन्होंने मना कर दिया था वीडियो बनाने के लिए कि यहाँ पर बैसाख माघ की पूर्णिमा के दिन इसके कपाट खुलते हैं।
और कार्तिक मास की पूर्णिमा में कबाड़ बंद जाते हैं। इसके अंदर नागमणि रखी हुई है ऐसा उन्होंने मेरे को बताया। पार्वती माँ के साथ किसी दैत्य का युद्ध हुआ था, तो एक लाटू राजा थे उज्जैन के, उन्होंने उस वक्त उनकी हेल्प की थी, तो उनके नाम से मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत यह है कि आम आदमी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, और जो साल में पूजा होती है इसकी जिस दिन इसके द्वार खुलते हैं उस दिन जो पंडित जी होते हैं इसके जो पुजारी हैं उनकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है, पट्टी बांध के पूजा होती है। ये इसकी खासियत है, इतना मुझे इसके बारे में पता है, बाकी तो मेरे को भी नहीं पता। आप लोग देख लेना नेट पे या कभी आप बाणगांव आओ। और इसी मंदिर में हम लोग पहले माथा टेकते हैं, उसके बाद रूपकुंड की यात्रा स्टार्ट होती है, और नंदा देवी राज यात्रा जो है वो भी यहीं से स्टार्ट होती है। देखिए मंदिर का प्रवेश द्वार यह है, इसमें लिखा हुआ है, इसके बारे में बताया हुआ है इस बोर्ड में। निकटतम दर्शनीय स्थल जो है इसके अनुसार मंदिर 155 किलोमीटर, चौपता 169, मध्य में 208, बेदनी मुखिया 12 किलोमीटर, रूपकुंड यहाँ से 21 किलोमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वह है 2500 मीटर सी लेवल से। आ जाओ चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर नीचे जीएमएन का गेस्ट हाउस भी आपने देखा होगा, और ये कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लग रहा है, उसकी बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग टाइप की लग रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं होगा। ये पहुंच चुके हैं हम मंदिर के पास। वो देखिए पूरा मंदिर है लाटू देवता का। हम लोग यहीं से ही प्रणाम करेंगे और वापस जाएंगे, क्योंकि उसे कपाट बंद है, क्योंकि वो बैसाख मास की पूर्णिमा को खुलेंगे, यानी कि अप्रैल या मई में खुलेंगे करीब। और वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा शेयर कीजिए, इस मंदिर के बारे में लोगों को बताइए। ऐसे विचित्र मंदिर भी उत्तराखंड में स्थित है।